दोस्तों आज के इस वीडियो में दो ऐसा एप्लीकेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से इस लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे 5 लाख तक का लिमिट ये कंपनी प्रोवाइड करवाता है। तो फ्रेंड, अगर आप भी लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लोन कंपनी से मिलेगा, तो निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कैसे करकर लोन अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना दिन के लिए लोन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को बेल ऑफ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड, पहले नंबर पे जो एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसमें आपको 5 लाख तक का लिमिट मिलेगा, ठीक है, 5 लाख का लिमिट मिलेगा। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से इस लोन को अप्लाई करना है। कैसे करकर आपको अप्लाई करना है पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले अपना मोबाइल स्क्रीन जो है उसको अलाउ करता हूँ और क्लियर मैं यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो देखिए, आप लोगों के सामने मेरा मोबाइल स्क्रीन क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी। और जैसे कि शुरू में बताया कि 5 लाख का लोन ऑफर किया जाता है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये कंपनी क्लेम कर रहा है कि गेट इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऑफ 5 लाख एट 9.99 इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो भी लोन आपको मिलता है वो जो शुरुआती का इंटरेस्ट रहेगा वो लगभग 10% के आसपास रहने वाला है। ये कंपनी जो है मिनिमम यहाँ पे 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना होता है, केवाईसी डिटेल्स डालना होता है और आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना होता है। इतना करने के बाद लोन जो भी सेक्शन होता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, इंटरेस्ट समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कंपनी यहाँ पे क्लियर बता रखा है कि 9.99 यानी कि 10% के आसपास से लेके 39% तक के बीच में यहाँ पे लोन का जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है। अभी यहाँ पे आपको कितना का लोन अमाउंट मिलेगा मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ पे 20,000 का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है और मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वो 5 लाख का। जो टाइम आपको देखने को मिलेगा वो 3 महीना से लेके 60 महीने के बीच में हो सकता है। चलिए, यहाँ पे ये सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को शेयर किया। अब यहाँ पे एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर आपको इस कंपनी से पूरे 1 लाख का लोन मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे पूरे 12 महीने के लिए मिला, यानी कि 365 दिन, 1 साल के लिए, इंटरेस्ट कितना लगेगा यहाँ पे 14% के हिसाब से पर एनम आपके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो यहाँ पे EMI आएगा आपका 8,979 रुपया और इंटरेस्ट जो आप पूरा लोन के ऊपर पेमेंट करने वाले हैं वो कितना कर रहे हैं, 8,979 रुपये, जिसमें से गवर्नमेंट का जीएसटी और प्रोसेसिंग फी भी आपका कटेगा 1180 रुपया। टोटल जो लोन का कॉस्ट यहाँ पे पड़ रहा है वो 1,07,748 रुपया और जैसे कि 1 लाख का जो लोन अमाउंट यहाँ अप्रूवल हुआ है तो वो पैसा जब आपको बैंक अकाउंट के अंदर जो मिलेगा वो 98,628 रुपया मिलने वाला है। तो यहाँ पे सारा जो चार्ज है वो कट के ये पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चार्ज भी है, ऐसा इसलिए कंपनी यहाँ पे बता रखा है क्योंकि काफी लोग बाद में कंप्लेन करते हैं कि मुझे इस जो है इसके बारे में बताया नहीं गया था। तो यहाँ पे देखिए, ओवरड्यू जो है रेट है वो 36% यहाँ पे होगा और फुल पेमेंट चार्ज यहाँ पे 5% प्लस आउटसाइडिंग अमाउंट प्लस टैक्स और पार्ट जो प्री पेमेंट चार्ज है वो 5% होगा और अगर आपका यहाँ पे चेक वगैरह कुछ अगर आप दे रहे हैं तो वो बाउंस हो रहा है तो 250 प्लस 450 जो बैंक का चार्ज है वो आपको लगेगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है इस लोन को लेने के लिए, तो एलिजिबिलिटी में बताया गया कि अगर आपका एज लिमिट 21 से 57 साल के बीच में है और आपका जो मंथली इनकम है, ठीक है, वो कम से कम आपका 18,000 होना चाहिए और मिनिमम सिविल आपका 700 होना चाहिए तो ये कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे काफी पर्सनल रीजन दिया गया है जो क्या क्या कारण देकर आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, जैसे कि आपको ट्रेवलिंग करना है, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मोबाइल फोन खरीदना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, आपको जो है एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो ये सारा यहाँ पे आपको दिखाकर लोन ले सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां तक मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कोई भी कंपनी में अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस कंपनी का सपोर्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है, कंपनी कहाँ का है, बेंगलोर कर्नाटक का कंपनी रजिस्टर किया हुआ है। अब एप्लीकेशन का नाम भी बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या कौन सा
है। तो एप्लीकेशन का नाम है पिरबो इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऐप। मैं इस एप्लीकेशन का कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ सही जानकारी आप लोगों को पहुंचाना। तो मैंने आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया। एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 3.5 पॉइंट का है और डाउनलोड है 1 मिलियन। ठीक है, तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो रहा है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं पर्सनल, तो इस एप्लीकेशन पर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी और एक एप्लीकेशन में आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको पैसे की नीड है और आप लोन लेना चाहते हैं, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो आपको और एक ऐसा एप्लीकेशन बता रहा हूं जिसमें आपको इनकम प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ेगा। बड़ी ही आसान से आपको जो यहां पे लोन अप्लाई करना है, इमीडिएट आपको यहां पे लोन मिल भी जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का नाम मैं यहां पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूं। बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप है, लेकिन ज्यादातर लोन ऐप्स में आपको इनकम प्रूफ का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन बिना इनकम प्रूफ का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ट्रस्टेड लोन कंपनी से लीजिए। देखिए ये जो एप्लीकेशन है इसका रेटिंग यहाँ पे देखिए 4.4 का इनको मिला हुआ है और इनका जो डाउनलोड है वो 5 मिलियन प्लस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। ये आपको बेसिकली 30,000 तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाता है। कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है। मिनिमम जो लोन अप्लाई करना है वो 5,000 और मैक्सिमम जो करना है वो 50,000। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे लोन अमाउंट बड़ा जो है वो आपको नहीं मिल सकता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दो प्रकार का लोन प्रोवाइड करवाता है। पहला तो है इंस्टेंट क्रेडिट लोन, जो कि आपको 50,000 तक का मिलेगा। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की बेस पर 24 घंटे के अंदर ये लोन आपको ऑफर मिल सकता है। और दूसरा इनका है बिजनेस लोन वगैरह, तो उसको छोड़िए और यहाँ पे इसके बारे में एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया इंटरेस्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कह रहा है कि अगर आप लेना चाहते हैं 30,000 तक का लोन, तो आपको जो है आपका एज जो है 21 साल प्लस होना चाहिए और आपका जो इनकम है वो 12,000 प्लस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। 100% डिजिटल प्रोसेस है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है। अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा तो इमीडिएट आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। कंपनी का यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है, जो ये कंपनी कहाँ का है, कहाँ से रजिस्टर है, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट को समझ लीजिए, अगर आप 30,000 का लोन ले रहे हैं पूरे 12 महीने के लिए, अगर आपको टाइम मिला है, 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, तो प्रोसेसिंग फी लगभग 750 कटेगा और टोटल जो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको लगेगा वो 3,005 रुपया। और 30,000 का जो लोन अमाउंट है वो अप्रूवल अगर हो जाता है आपको, तो यहाँ पे आपको जो बैंक में जो रिसीव होने वाला है वो 29,250 रुपया, बाकी का प्रोसेसिंग चार्ज GST ये सारा काट कूट के यहाँ पे आपको मिलेगा। टोटल जब लोन का रिपेमेंट आप करेंगे तो लगभग 33,000 आपको ये पड़ने वाला है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को मैंने दो एप्लीकेशन बता दिया। ठीक है, और दोनों जो एप्लीकेशन है वेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं बिना इनकम प्रूफ का, तो ये दोनों एप्लीकेशन से आपको मिल सकता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करता हूं, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सही जानकारी पहुंचाना। मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिएगा। साथ में फ्रेंड, अगर आप हमसे पर्सनल में कोई बात करना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले